हेलो गाइस, डॉक्टर ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। एक प्रेग्नेंट महिला के लिए शुरुआत के 3 महीने बहुत अहमियत रखते हैं। इस समय पर आपका खाना पीना, ये सारी चीजें आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। तो मैं आपको आज जरूरी 5 पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी जिनकी कमी से आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान गेम चेंजर का काम करता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बच्चे के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। यह बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इस समय पर इसकी कमी से बच्चे के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा और फोर्टिफाइड अनाज खाकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको बाहर से एज ए सप्लीमेंट भी लिया जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में तरल पदार्थों की आपके शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समय पर आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना होता है। आप इसके लिए रस भरे फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, पानी को प्रॉपर लें, साथ ही कुछ हर्बल ड्रिंक्स होती हैं जिससे आप अपने आप को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी चीज मानी जाती है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कई बार बच्चे में विकृति आने की संभावना होती है। इस चीज को दूर करने के लिए आपको प्रोटीन युक्त चीजें खानी है। आप प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें खाएं, साथ में फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इससे प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा आपको मिलेगी और आपके बच्चे का प्रॉपर विकास होगा। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को कैलोरीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको इस समय पर भरपूर एनर्जी वाली चीजें खानी चाहिए। आप कीवी, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें खाकर प्रॉपर कैलोरीज ले सकते हैं जिससे आपके बच्चे के विकास में कोई भी बाधा नहीं आएगी। बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा 3 सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। और आप इस समय पर अपने बच्चे का पूरी तरीके से मानसिक विकास चाहते हैं तो ओमेगा से भरपूर चीजें खाएं। इस समय पर आपको सैल्मन, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, इन सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिससे आपके बच्चे का प्रॉपर विकास हो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। इन 5 पोषक तत्वों में से किसी भी कमी के कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। तो ध्यान रखें कि ये सारी चीजें खाएं और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगी तभी आपके घर में जो बच्चा पल रहा है उसका सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास होगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।